नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर्य शर्मा और आप सभी लोग का हमारे आयुषोपैथिक क्लिनिक गोंडा के इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे नपुंसकता के लिए कोई बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने के लिए। दोस्तों मैं आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर के बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहा हूँ। जिन लोगों को नपुंसकता की प्रॉब्लम बनी रहती है दोस्तों, बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। बताए गए मेडिसिन को दोस्तों उसके बताए गए डोज के अनुसार यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा आपको आराम मिलेगा, बहुत जल्द आप सही हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों आज होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात होगी जो कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को दोस्तों बहुत जल्द सही करता है। आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो कौन से कारण हैं। पहली प्रॉब्लम तो उनकी ये हो सकती है कि हो सकता है उनको डायबिटीज़ या हार्ट की कोई ऐसी बीमारी हो जिसके कारण दोस्तों उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन बना रहता हो, या डायबिटीज़ वाले पेशेंट जो होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा नपुंसकता की प्रॉब्लम मिल सकती है। दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम है हार्मोनल इम्बैलेंस। दोस्तों लो टेस्टोस्टेरोन लेवल जब आपके शरीर में पाया जाता है तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों क्रॉनिक डिजीज़, अगर आपको मान लीजिए किसी प्रकार की क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे चाहे किडनी की प्रॉब्लम हो चाहे लीवर की प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पे भी आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों नपुंसकता एक ऐसी बीमारी है कि विभिन्न प्रकार के बीमारियों पे भी डिपेंड करता है। दोस्तों अगली प्रॉब्लम जो आपके नपुंसकता का कारण बन सकता है, हो सकता है आप स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हों, एल्कोहल वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हों, और हो सकता है कोई ड्रग आप इवेज मात्रा में यूज़ कर रहे हो, तो उसके कारण भी आपको नपुंसकता की प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है डिप्रेशन का। जो लोग दिमागी तौर से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनमें भी दोस्तों नपुंसकता का प्रॉब्लम अधिकांश रूप से देखने को मिलता है। और अगला प्रॉब्लम दोस्तों मैराइटल प्रॉब्लम हो सकता है, मैराइटल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम। दोस्तों इस कारण से भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों आइए हम कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं, जैसे 4-5 मैंने मेन कारण बता दिए हैं, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं आपके लाइफ में। हो सकता है कि फिजिकली मेंटली आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट मैंने 4-5 कारण ऐसे ही नॉर्मली बता दिए हैं। दोस्तों बहुत बड़े फैक्टर हैं आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन को लेकर के। अब दोस्तों छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा सकता है। जब आप किसी डॉक्टर को दोस्तों दिखाने जाते हैं तो वहाँ पे विभिन्न प्रकार के टेस्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आइए दोस्तों हम होम्योपैथी विधि से इस प्रॉब्लम को कैसे सही कर सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम को लेकर के बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जिसके बारे में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो मैं इस मेडिसिन के बारे में पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। आइए हम सबसे पहले होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात कर लेते हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बहुत जल्द सही करता है। दोस्तों 5 मेडिसिन के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों पहली मेडिसिन है एग्नस कैस्टस 30 पावर में ले लीजिए, जिसमें दोस्तों एब्सोल्यूट इरेक्टाइल डिसफंक्शन पाया जाता है। दोस्तों एकदम से पूर्ण रूप से नपुंसकता पाई जाती है, तो ऐसे मरीज दोस्तों एग्नस कैस्टस से बहुत जल्द सही हो जाते हैं। और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों सिलेनियम, वीक होता है एकदम और इरेक्शन एकदम नहीं पाया जाता या बहुत स्लो पाया जाता है, ऐसे कंडीशन में सिलेनियम बहुत तेज़ काम करता है। तो जिनमें इरेक्शन की प्रॉब्लम हो, तनाव की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बनी रहती है, बहुत स्लो तनाव होता है हल्का फुल्का, तो ऐसे लोग को सिलेनियम 30 पावर यूज़ करना होता है। और दोस्तों तीसरी मेडिसिन जो है एवेना सटाइवा 30 पावर में लेना है दोस्तों, इनहेंसिंग सेक्सुअल पावर। दोस्तों ये सेक्सुअल पावर को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मददगार मेडिसिन है, बहुत ज़्यादा ये मेडिसिन सपोर्ट करता है। तो जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है एवेना सटाइवा यूज कर सकते हैं। न्यूफर ल्यूटियम दोस्तों ये बहुत अच्छी मेडिसिन है, 4th मेडिसिन, 30 पावर में लेना है। और देयर इज नो डिज़ायर फॉर सेक्स, जिनको सेक्स करने की एकदम से इच्छा नहीं होती है, न्यूफर ल्यूटियम मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। दोस्तों अभी इसके डोज के बारे में हम बात करेंगे। और अगली मेडिसिन जो दोस्तों है योहिम बिनम 30 पावर में लेना है दोस्तों, इंक्रीजिंग सेक्सुअल डिज़ायर। ये मेडिसिन सेक्सुअल डिज़ायर वाली प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से बढ़ाता है, तो यह मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन मानी जाती है। तो पांचों मेडिसिन को आपको क्या करना है दोस्तों, किसी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से आप इन पांचों मेडिसिन को ले लीजिए। दोस्तों मैं इसका नाम सारी डिटेल में डोज भी सारी चीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों पांचों मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है,
आइए हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डोज के बारे में यहाँ पे स्थान नहीं कोई लिखने के लिए, इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। डोज के बारे में ऐसे ही डायरेक्टली मैं बता देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो आपको मिल ही जाएगा। दोस्तों इन पांचों मेडिसिन को आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर आप जाते हैं, आपको आराम से दवा मिल जाती है। अगर आपके आसपास में कोई होम्योपैथिक क्लिनिक है तो वहाँ से भी ये दवा आपको मिल सकती है। तो आपको क्या करना है, पांचों मेडिसिन का आप नाम लेके जाइए किसी भी मेडिकल स्टोर पे, आराम से दवा मिल जाती है। बहुत से लोग पूछते हैं किस कंपनी का लेना है, आप डॉक्टर रेगबेक की ले लीजिए। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा इन मेडिसिन को आप पैक सीसी लीजिएगा, तो ये दवाइयाँ 30 ml वाली पैक में आपको आराम से मिल जाती हैं। तो आइए दोस्तों अब हम इसके डोज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों डोज के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरा सपोर्ट करने के लिए, दोस्तों मेरा सहयोग करने के लिए इधर रेड कलर का सब्सक्राइब का एक बटन दिया गया है, चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जो इस तरह की समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान है उन तक मेरा वीडियो शेयर भी जरूर कीजिएगा, और बगल में बेल आइकॉन दिया गया है दोस्तों, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं इस तरह का नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ, अच्छे अच्छे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, उसके लिए दोस्तों बेल आइकॉन दबाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेरे वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों अब हम डोज के बारे में बात कर लेते हैं। पाँचों मेडिसिन को आपको ले लेना है दोस्तों, सुबह खाली पेट आधे कप गुनगुने पानी में पांचों मेडिसिन को, जो लोग अपना डायरेक्ट सिम्टम नहीं मिला पा रहे हैं पांचों मेडिसिन ले आइए, और आधे कप गुनगुने पानी में पांचों मेडिसिन से दो बूंद, केवल दो ड्रॉप दोस्तों उस कप में डाल दीजिए, दो बूंद डाल देना है, पांचों मेडिसिन मिला करके 10 बूंद हो जाएगा। एक बार सुबह आप पी लीजिए, एक बार शाम को पी लीजिए, सुबह भी खाना खाने से पहले और शाम को भी खाना खाने से पहले मेडिसिन को लीजिए। सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले ले लीजिए, बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत तेज आपको आराम दिलाती है और बहुत जल्द आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाली समस्या, नपुंसकता वाली समस्या बहुत जल्द आपकी सही हो जाती है। तो दोस्तों इन पांचों मेडिसिन का मैं नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ये 4-5 कारण थे मैंने जो बता दिए हैं। एक बात मैं और बता देना चाहता हूं दोस्तों, वीडियो में कोई चीज़ आप समझ नहीं पाए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने सारी चीज़ें लिख दी है, तो वीडियो में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों हमने मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन का नाम, डोज के बारे में सारी चीज़ें हमने मेंशन कर दिया है। तो दोस्तों अगर आप फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट हमें जरूर कीजिएगा, कमेंट्स का रिप्लाई हम बहुत जल्द करते हैं। दोस्तों अगर आप किसी प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन खाते हैं या किसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं, नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स दिया गया, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स करना बिल्कुल भूलिएगा, कमेंट का रिप्लाई हम बहुत जल्द करते हैं। तो दोस्तों उन तक मेरा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, नपुंसकता वाली प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इधर उधर की दवाइयाँ खाते रहते हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत अच्छी मेडिसिन है। आपको कुछ नहीं करना, बस यही 5 मेडिसिन केवल यूज़ करना है, मुश्किल से आप 15-20 दिन यूज़ करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों जब भी कोई मेरा मेडिसिन यूज़ कीजिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे हों तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसा देख करके दोस्तों हम लोगों को भी अच्छा लगता है और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों हम लोग प्रेरित रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा आप अपने आसपास साफ सफाई रखिए, कचरा ना फैले, पॉलीथिन का उपयोग ना कीजिए, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखिए, खुद भी स्वस्थ रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।